सोमवार को महाराष्ट्र के सभी मंदिरों को खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं। अपनी मांग के समर्थन में भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है। मंदिर खुलवाने के लिए अलग अलग मंदिरों के सामने शंखनाद किया गया। महाराष्ट्र में भाजपा सभी मंदिरों को खोलने की लगातार मांग कर रही है। अपनी मांगों के समर्थन में भाजपा ने सोमवार को राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसके चलते भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से मंदिर खुलवाने के लिए अलग अलग मंदिरों के सामने शंखनाद किया गया। इसी श्रृंखला में शहर भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया। एक और महापौर दयाशंकर तिवारी ने महल स्थित कल्याणेश्वर मंदिर में शंखनाद कर आंदोलन किया। वहीं दूसरी ओर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने कोराड़ी स्थित महालक्ष्मी मंदिर में आंदोलन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अधर्मी है। एक तरफ देश के सारे मंदिर चालू है और महाराष्ट्र में सारे मंदिर बंद है। एक तरफ सरकार ने चंद्रपुर जैसे जिलों में जो दारूबंदी थी वो निकाल दी, दारू के दुकान में लाइन है। अगर सरकार को मंदिर बंद करना है तो आज के आज देशी दारू के दुकान सब बंद करिए बंद। अगर सरकार को इतना ही है तो हम कह रहे हैं कि बार बार की आचार संहिता पालेंगे हम, एक एक आदमी को छोड़िए मंदिर में दर्शन करवा दीजिए। वो नहीं सुन रहे, किसका दबाव है? कहा गया धर्म उद्धव जी का, कहा गया हिंदुत्व उद्धव जी का, ये सवाल आ जाता है। इसलिए पूरे देश में जब सारे मंदिर खुल गए तो महाराष्ट्र की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अन्याय कर रही है, क्यों 12 करोड़ जनता के साथ कर रही है, क्यों रोजगार छीन रही है? मैं महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर आज मंदिर नहीं खोलते हैं तो देशी दारू की दुकान बंद करिए। इस संदर्भ में भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि धार्मिक स्थल खोलने से कोरोना बढ़ेगा तो वह हमें मान्य नहीं है। भूमिका एवढीच आहे की दारूच्या दुकानांनी उघडून रेवणी मिळतो म्हणून ते उघडायचे, मॉल उघडायचे, बाजार उघडायचे। माझं म्हणणं आहे लग्नाला 50, 100, 200 ची परवानगी द्यायची। माझं म्हणणं आहे सभागृह 50% कॅफे उघडायचे, फक्त मंदिरं उघडायचे। मंदिरात गेल्यामुळे कोरोना होतो, मस्जिदीत गेल्यामुळे कोरोना होतो, बौद्धविहारात गेल्याने कोरोना होतो, गुरुद्वारात गेल्याने कोरोना होतो, अशी जर दर्ग्यात गे अशी जर भावना या सरकारची असेल, शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन जे सरकार आलं, जी महाविकास आघाडी आली, ही शिवशाही नाही, ही मुघलशाही आहे। आणि आज आम्ही शेवटचा निर्वाणीचा इशारा द्यायला नागपुरात किमान 100 ठिकाणी आंदोलन करतो आहे। आम्ही सरकारला विनंतीपूर्वक सांगतो, आम्ही मास्क घालतो आहे। माझं म्हणणं तुम्ही नियम करून द्या, मास्क घाला, सॅनिटायझर वापरा, 3 फुटावर उभे राहा, दुरून पाणी घ्या, दुरून नमस्कार करा, आम्हाला सगळं मान्य आहे। मित्रांनो, या महाराष्ट्रात जो काही संत परिवार सगळे मंदिर आहे याच्यावर किमान 5-10 लाख लोक व्यवसाय। भाजपा का आरोप है कि सरकार महाराष्ट्र में बार खोल सकती है लेकिन मंदिर नहीं खुल रही, यह हिंदुओं के साथ अन्याय है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।